चलो अभी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और बताओ अपने आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाई टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, उनके फॉर्मूले याद रखने हैं हमको, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर बाय चांस आपने लिखे नहीं, मिस हो गए, आपको अभी याद नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाय जी, आप इनको लिख भी लीजिए अपनी कॉपी पे, 2uy/g भी बोलते हैं इसको। हाइट होता है u² sin² थीटा बाय 2g। ठीक है, अभी लिख लो, लेकिन बाकी याद करने, ऐसे नहीं कि देख देख के करना है अपने को। तो u² बाय 2g, और रेंज जो होती है u² sin² थीटा बाय जी, विच इज इक्वल टू 2ux uy/g। इस तरह से ये फॉर्मूलेज होते हैं, तो निकालो इनके आंसर। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देनी है क्वेश्चन में, अब मैंने बता दिया है, हिंट दे दिया है, खुद ध्यान रखना है कि क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो मैं बात कह रहा था, ध्यान रखना है कि एंगल इज गिवन विद वर्टिकल, और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, लिखे हैं, उसमें एंगल किससे होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि हम सारे सही फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और उस कारण से आंसर गलत आ जाते हैं। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या है, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार देखे, चेक करें अपने आंसर्स। तो यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल यहाँ पे वर्टिकल से दे रखा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करने को ऐसा दे देते हैं। तो हम सीधे अपना जो थीटा है, फॉर्मूले थीटा ही यूज करेंगे, तो मैं थीटा को 30 की बजाय 60 डिग्री लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल से 60 हो जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाय जी। तो 2u कितना हो गया, 30, साइन 60 डिग्री √3/2, जी इज 10, तो 2 से 2 कट गया, 10 से 0 से 0 कट गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 3√3 सेकेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट, हाइट इज u² sin² थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वेयर, तो 30 × 30, 900 भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, कट पिट जाएगा तो और आसान हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, √3/2 था, स्क्वेयर स्क्वेयर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि 2 × 10। तो ये कट गया, 2 से 30 को काटोगे 15 आएगा। ठीक है, 15 × 3 = 45, 45 × 3 = 135, 135/4, ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 33.75 मीटर। फिर रेंज बतानी थी, रेंज इज u² sin² थीटा बाय जी। तो यू स्क्वेयर कितना हो गया, 30 का स्क्वेयर, साइन 2 थीटा, तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा। अब यही कि साइन 120 वगैरह भी कई बार हम अभी भी गड़बड़ कर देते हैं, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 - 60, एंड साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा होंगी, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 120 डिग्री को लिख रहा हूँ, इट कैन बी रिटन एज साइन 180 - 60, विच इज साइन 60, साइन 60 इज √3/2। तो 30 स्क्वेयर 900 हो गया बाय 10, साइन 120 डिग्री इज √3/2, तो एक ये कैंसिल हो गया, 2 से 90 को काटोगे 45 √3। या फिर इसमें थोड़ा मेहनत हो रही है तो कोई बात नहीं, रेंज को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई रेंज हमने क्या देखा, डेफिनेशन ये तो देखो, रेंज क्या थी, एनी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है, बस हम एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल दें और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये अगर चीज नहीं भी आ रही है साइन 2 थीटा वाली, तो भी हम बता सकते हैं यू कितना है, 30, कॉस 60 डिग्री 1/2, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 3√3। तो बस यहां से भी आ जाएगा, 2 से 30 कटा 15 आया, 15 × 3 = 45, तो 45√3 मीटर इज द रेंज। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया सबको, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब
चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अभी इनिशियली आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन समझना है इसको कि क्या करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो क्या दे रखा है, प्रोजेक्टाइल है, इसको थ्रो किया हमने, कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे किया, 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये ऐसे ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आएगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कम होता जाता है। तो एक पोजीशन पे इसकी कुछ भी वेलोसिटी मान लो वी हो गई, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये टाइम क्या होगा। अच्छा वैसे तो जनरल यही टाइम बताना चाहिए अपने को सिंगल करेक्ट में, लेकिन अगर मल्टी करेक्ट है तो कई बार ये टाइम भी मान लेते हैं, दो टाइम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां भी एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, जनरली इंक्लिनेशन बोला है तो हमें पहला केस ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दोनों आंसर कहीं दिए हुए हैं तो उसमें ये ले लेते हैं, या बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री तो पहली पोजीशन में भी होगा और दूसरी पोजीशन, तो कई बार ये दोनों चीजें निकाल दी जाती है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, पहला तो ये कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, उससे हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंस हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयरफोर वी कॉस 45 डिग्री, ये वी का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ गया, इज इक्वल टू 100 कॉस 60 डिग्री, ये 100 का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ गया। cos 45 degree is 1 by root 2, cos 60 degree is 1 by 2, 1 by 2 से 100 cut off 50 आया, तो v is equal to 50 root 2 आ गया। तो अपने आप में ये भी कई बार एक क्वेश्चन होता है कि इधर का इंक्लिनेशन दे दिया 45 डिग्री और वहां पे स्पीड पूछ ली, तो वो स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था हमसे, हमसे पूछा था कितने टाइम पे इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा। अब टाइम के लिए देखो, टाइम और हाइट दोनों के लिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशंस काम में आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स डायरेक्शन के हमने कंपोनेंट बराबर किए, तो इससे हमें रिलेशन आ गया। अब हमें वाई डायरेक्शन की चीजें चाहिए, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई कितनी हो जाएगी, वी साइन 45 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ये यू वाई हो जाएगा, तो यू वाई क्या हो गया, 100 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, तो 50 रूट 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, और वी वाई इज वी साइन 45 डिग्री, वी इज हाउ मच, वी इज 50 रूट 2, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये इक्वेशन लगाएं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो वी वाई कितना हो गया 50, यू वाई कितना है 50 रूट 3, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, है ना, तभी हमने यू वाई भी पॉजिटिव लिया, वी वाई भी पॉजिटिव, ए वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव, जी को 10 मान ले तो 10 टी, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं 5 को राइट हैंड साइड में, तो 5 रूट 3 माइनस 5, तो t इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये एक टाइम आया, कौन सी पोजीशन का, ये वाली पोजीशन, इसको मैं t1 बोल देता हूं। अगर ये टाइम भी निकालना है तो इस टाइम पे भी देखो सिमेट्री होती है, बस ये है कि जो वेलोसिटी वी वाई थी ऊपर की तरफ, वो वाला कॉम्पोनेंट कहां की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अगर यहां पर अगर टाइम ये भी बताना है t2, तो फॉर t2 Vy would be minus 50 हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो Vy minus 50 हो जाएगा। इक्वेशन यही लगाएंगे, Vy is equal to Uy plus Ay into t, तो minus 50 is equal to 50 root 3, और g तो minus 10 ही लेना है क्योंकि नीचे की तरफ कोई मैं नेगेटिव डायरेक्शन मानी है हमने, तो यहां से फिर से जीरो कैंसिल हो जाएगा, t को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, तो 5 रूट 3 प्लस 5, तो t2 टाइम आएगा
ये आ जाएगा 5 √3 + 1। तो इतने टाइम पे दूसरी बार एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया? एक बार देख लो, ठीक है, थोड़ी 10 सेकंड 20 सेकंड देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट ये समझ भी आना चाहिए और कैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। देखो मेन चीज यही है कि कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं उनके, लेकिन एप्लीकेशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब हमें यही सोचना है कि किस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए जिससे टाइम भी हमारा कम लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फालतू की इक्वेशंस यूज करने लगते हैं, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और आंसर भी नहीं आता। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपनी गलतियों से सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। सर हाँ सर, जैसे असेंडिंग के लिए अपन ने T1 यूज किया है, तो T2 में क्या लिखा रहेगा टर्म? नहीं, अगर देखो ऐसा नहीं होता, जनरली अगर एक आंसर दिया होता है इंक्लिनेशन या ये, तो यही होता है। अगर ये पूछ लेते क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन नहीं देते, सिर्फ ये दे देते एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो दोनों आंसर लिखने पड़ते हैं हमको। एंगल विद हॉरिजॉन्टल 45 हो जाएगा, तो एंगल तो दोनों के से 45 हो जाएगा। और या डिक्लिनेशन बोल सकते थे उसके लिए, ठीक है। इंक्लिनेशन जनरली ऊपर वाले को इंक्लिनेशन बोला जाता है कि भाई कोई चीज जैसे ऊपर की तरफ तो इंक्लाइंड बोल दिया, नीचे की तरफ उसको डिक्लाइंड या डिक्लिनेशन बोला जा सकता है अगर हमें ये टाइम सिर्फ T2 पूछा जाता। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करो सर। हाँ सर, एक बार वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, ऐसा क्यों? अरे नालायक, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? कितनी बार तो बता दिया शुरू से भाई, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? एक्सीलरेशन किसके कारण होता है? फोर्स। जब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। और देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई डाउट है वो वहीं पे पूछ लो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे आगे हम उसको सही से अप्लाई कर सकें सही से। इसीलिए मैं हर जगह पूछ रहा हूं कि समझ आया तो वहीं, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो तो बेटर है, बजाय ये कि जब उसका एप्लीकेशन आता है तब हम परेशान होते हैं यार वो कैसे हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। तो देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हमने जो पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री के एंगल पे, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। कुछ समय के बाद ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? अब वही कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, तो जब एंगल 30 डिग्री बन रहा है तब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v cos 30 डिग्री, और वो किसके बराबर आ जाएगा? 10 cos 60 डिग्री। तो v cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो v इज इक्वल टू 10/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और cos 30, sin 30, cos 60 ये सब भी अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं अब इसमें ही हम गलतियां कर दें। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ नहीं, ठीक है, वो मिस्टेक हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये सिंपल सिंपल सी चीजें, cos थीटा ही हमने गलत निकाल दिया, sin थीटा, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है हमारी। इतना जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो बेसिक्स हैं अपने, कि cos थीटा, sin थीटा, sin की आइडेंटिटीज, ठीक है, थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज, तो वो सब हमें अच्छे से तैयार करना है, उसको रिवाइज करते रहो। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स हो गया, बेसिक वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, जिससे कि जब हम उसको यूज करें तो वो अब हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जब हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिविजन करते हैं, उस तरह का वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, ये शायद आपने किया भी होगा, मैंने एग्जांपल्स बोले थे
शीट में करने को, उसमें था ये। तो अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। एक पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, 5i cap + 10j cap, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। तो इसमें ध्यान रखना, हम कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, हम यू फाइंड करने लगते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर थीटा फाइंड करने लगते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है तो उसको यू और थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं, तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में इक्वेशन यूज करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं यू, यू हो जाएगा अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, फिर थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना है। इसीलिए हमने वो कॉम्पोनेंट्स फॉर्म वाले फॉर्मूले पढ़े हैं कि डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट फॉर्म में दी है, तो हम कॉम्पोनेंट फॉर्म वाले रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलो तो हम देख लेते हैं क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यू एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और यू वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2uy/g, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, वही यू एक्स और यू वाई से यू निकालने लगते हैं, थीटा निकालने लगते हैं, और फिर वो वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, (u)(2u sin θ/g). नहीं, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली हम कंपोनेंट वाले फॉर्मूले यूज कर लें, ठीक है। इनफैक्ट कई बार थीटा और यू दिया है तो भी हम कंपोनेंट निकाल के ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ये कई बार आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो टाइम आ गया 2 सेकेंड। उसके बाद हाइट पूछी थी, तो हाइट क्या होती है, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो यू वाई स्क्वायर, यू वाई कितना है, 10, उसका स्क्वायर इज 10 × 10/20, तो ये आ गया 5 meter। फिर रेंज क्या होती है, 2uxuy/g, ये रेंज होती है। तो 2ux कितना है, 5uy कितना है, 10/10, दिस इज द रेंज 10 meter। तो ये आंसर आ जाएंगे 2 सेकेंड 5 meter 10 meter, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30° विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 20 m/s, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकेंड। इसको ट्राई कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। देखो पोजीशन वेक्टर तो क्या मतलब होता है, पोजीशन वेक्टर का तो ऐसे हमने समझा भी था उसको, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। तो हमने पार्टिकल को फेंका यू वेलोसिटी से और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो किसी भी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां पर है, इस पॉइंट पी पर है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट से जहां से उसको फेंका, मान लो ओ से फेंका, तो ओ से पी पॉइंट को जो जोड़ने वाला वैक्टर है वो उसका पोजिशन वैक्टर हो जाएगा। ये O से P को जोड़ने वाला ये उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, तो X डायरेक्शन में पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा एक तो वो देखना है, और Y डायरेक्शन में कितना ऊपर चला जाएगा एक वो देखना है। तो पोजीशन वेक्टर वुड बी (x i cap + y j cap). अब x डायरेक्शन में हमने देखा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, (u cos θ)(t). हमने देखा था ऑलरेडी कि x डायरेक्शन में पोजीशन कैसे निकालते हैं या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो (u cos θ) ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो (u cos θ)(t). तो (u cos θ)(t) x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया (i cap). y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होता है, तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होगी (u sin θ). अब इसमें लगेगा इक्वेशन (ut + ½at²), तो u हो गया (u sin θ)(t), और एक्सीलरेशन -g होगा, तो -½gt²। तो ऐसे हम पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं। अब u कितना है, 20, cos 30° cos 30° √3/2, टाइम कितना दे रखा है, 1 × i cap, प्लस (u sin θ), u हो गया 20, sin θ हो गया 1/2, t हो गया 1, (-½g, g) हो गया 10 × t², यानी कि 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से आंसर अगर हम निकालते हैं तो, ये टू से टू कटेगा, 20 कटेगा, 10 आ जाएगा, तो 10 रूट 3 आई कैप, ये 2 से 20 कटा 10 आया, 2 से 10 कटा 5 आया, तो 10 माइनस 5 इज 5, और यहां पे ये जे कैप भी लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, कि इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, और कभी भी किसी भी पोजीशन पे बताना है तो हम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर को बता सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में एंगल, वन सेकेंड, पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया हमने वन सेकेंड में, वेलोसिटी वेक्टर और निकाल लें। वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, यू कॉस थीटा आई कैप, और वाई डायरेक्शन की क्या होती है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। वाई डायरेक्शन में वो इक्वेशन लग जाएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन माइनस जी। अब इसमें फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू है 20, कॉस 30 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, तो आ जाएगा 10 रूट 3 आई कैप, प्लस यू साइन थीटा आ जाएगा 10 माइनस जी टी, वन सेकेंड पे ये भी आ जाएगा 10 जे कैप, यानी कि जीरो ही हो जाएगा, तो 10 रूट 3 आई कैप। मतलब पार्टिकल कहां पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा बेसिकली, अगर उसका वाई कंपोनेंट जीरो हो गया वेलोसिटी का, मतलब पार्टिकल एक सेकंड पे कहां पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। वो हम वैसे भी चेक कर सकते थे, लेकिन जनरल मेथड भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। जैसे कई बच्चे ऐसे भी करते हैं इसको, कि उन्होंने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टू यू साइन थीटा बाय जी ऐसे निकाल लिया, तो टू यू साइन थीटा बाय जी कर दिया, तो यू कितना हो गया 20, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, जी हो गया 10, 10 से ये कटा 2 से 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, और ऊपर जाने और नीचे जाने का टाइम बराबर होता है, तो यानी कि एक सेकंड में वो कहां पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे। अब पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, वो रेंज का आधा कर देंगे, क्योंकि सिमेट्री होती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर बाय टू हो जाएगी, और ये वाली मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगी, तो ऐसे भी पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो इस केस में जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ रहा है। लेकिन जनरल तरीका यही होगा कि जनरल जो फॉर्म है उसमें x हम निकालेंगे इस तरह से, टाइम के फंक्शन में x की वो इक्वेशन लिख के ऐसी y निकालेंगे, और फिर जनरल फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ऐसे बताया जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब एंगल, अब देखो इसमें तो एंगल हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई वेलोसिटी वेक्टर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो टेन थीटा हम क्या कर सकते हैं, वाई अपॉन एक्स करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे बताया जाता है इन जनरल, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट जब हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था आप लोगों को पढ़ने के लिए भी, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जनरली कैसे बताया जाता है, उसका तरीका होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है इन जनरल किन्हीं भी दो वैक्टर्स के बीच का एंगल बताने के लिए। तो अब हमें यहां पे किसके बीच का बताना है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तो v वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो v डॉट r कितना आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में i वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10 रूट 3 इंटू 10 रूट 3 आ जाएगा 300। j वाली टर्म जीरो ही है वेलोसिटी में, तो j वाली टर्म जीरो ही हो जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहां से आएगा 10 रूट 3 का स्क्वायर, 300 प्लस 25 325। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सॉरी ये आर वेक्टर का लिखा है मैंने यहाँ पे, वेलोसिटी का यहां लिख देते हैं, वेलोसिटी का कितना आएगा 10 रूट 3 का मैग्नीट्यूड रूट 300। ठीक है, तो यहां से अब हम इसको सॉल्व करें, तो 300 यहां से 100 बाहर निकाल लेंगे तो 10 आएगा, रूट 3 बचेगा, 325 में से 25 तो कॉमन ले ही सकते हैं, 25 अगर कॉमन लेंगे तो 5 बचता है बाहर रूट में आएगा, तो 25 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 1 इज 25, फिर बचेगा 75, तो 13 आ जाएगा, तो एक 10 से 10 कट गया, 5 से 30 काटोगे 6 बचेगा, तो ये 6 बाय रूट कितना रहेगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो
तो ये आंसर आएगा एंगल का कॉस इनवर्स ऑफ 6/√39। या एक रूट थ्री कॉमन लेके रूट थ्री कैंसिल करके वैसे भी लिख सकते हो, बेटर ऐसे लिख दें कॉस इनवर्स 6/√39। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हम बता सकते हैं। तो जनरल तरीका यही होता है आंसर करने का। अब बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट आ गया, तो कोई ऐसे भी बोल सकता था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस नीचे वाले पॉइंट को टॉप मोस्ट पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, तो ये इनके बीच का जो एंगल है इसको मैं कुछ फाई मान लू, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। तो कोई ऐसे भी बोल सकता था कि टेन फाई वुड बी वाई बाय एक्स इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, किसी और पॉइंट पे ऐसा नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, समझ आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे बात करते तो वेलोसिटी ऐसे होती, तो इसमें y बाय एक्स करके कौन सा एंगल आता, हॉरिजॉन्टल से एंगल आता, वेलोसिटी से एंगल नहीं आता। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि जो एंगल पोजिशन वैक्टर का हॉरिजॉन्टल से आएगा वही वेलोसिटी वैक्टर से आ जाएगा। तो वाई कितना आया था 5, एक्स कितना आया था 10/√3, 1/√3, तो phi इज इक्वल टू, अब कहोगे तुम गलत आ गया, अलग नहीं है वो cos इनवर्स था, ये tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स 1/√3। इस तरह से भी एंगल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ आया? सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो फाई है और जो वो, मतलब उसे 30 डिग्री ले सकते थे? नहीं ले सकते, 30 डिग्री में तो फेंका था ना, फेंका था तो सीधे स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जा रहा है, तो कर्व पाथ में जा रहा है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता ऐसे तो अलग बात होती है, वो तो वेलोसिटी, उसका एंगल तो चेंज होता जा रहा है ना वेलोसिटी का हर चीज में, तो जिस एंगल पे फेंका था वही एंगल नहीं ले सकते हम यहाँ। ओके सर, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, बाकी जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से पोजीशन वेक्टर का बदलता जाएगा, इनफैक्ट कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन है इसको ट्राई करो, ये एक्चुअली 1D का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें वर्टिकली अपवर्ड फेंका, बाकी ये प्रोजेक्टाइल के लिए भी हम मान सकते हैं, अगर वो वर्टिकली अपवर्ड की जगह ऐसा भी बोल देते कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा, देन आल्सो आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आप कोई भी केस लेके कर सकते हो, बाकी अभी तो वर्टिकली अपवर्ड बोला हुआ है मतलब सीधे हमने ऊपर फेंका, ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसा केस बन जाएगा, तो इसको देखो और इसका क्या आंसर आएगा बताओ। ये शायद किया भी होगा हम लोगों ने या आपने प्रैक्टिस में इस शीट वगैरह में। चलो एक बार देख लो क्या करना है इसमें। मेरा तुम्हारा आ गया लेकिन मुझे गलत लग रहा है, मेरे को क्यों याद नहीं आंसर क्या आएगा लेकिन गलत लग रहा है। चलो ठीक है, तो एक बार देख लो जिसका आ गया है वो भी एक बार देख ले, या जो कर रहा है देख ले कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है। एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका एक पॉइंट ए से, ठीक है, और इस तरह से ये ऊपर जाके नीचे आएगा, तो ठीक है, तो ये एक पॉइंट है बी, यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है T1, फिर ये और ऊपर जाता है और वापस ग्राउंड तक आने में बी के आगे कितना टाइम लगता है T2। ठीक है, अब चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का केस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी ले सकते हैं कि मान लो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में होता हमने यहां से फेंका यहां तक गया, ये टाइम लगा T1, ये टाइम लगा T2। ठीक है, दोनों चीजें हम साथ में लेकर चलते हैं, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T1 प्लस T2 हो जाएगा,
जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, दोनों ही केस में, ए से बी जाने में टी1 लगा, बी से ग्राउंड तक आने में टी2, चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका है चाहे एंगल पे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी1 प्लस टी2। ठीक है, तो टी1 प्लस टी2 किसके बराबर हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो टी1 प्लस टी2 जो है ये 2uy/g हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी u क्या है, u जो है y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो u y है एक तरह से, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो इससे हम u की वैल्यू बता सकते हैं कि u क्या हो गया, g/2 इंटू t1 प्लस t2। ठीक है, अब पूछा b की हाइट क्या होगी ग्राउंड से। अब से b पॉइंट तक जाने के लिए हम इक्वेशन लगा दें, कौन सी इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at2। तो b पॉइंट की हाइट कितनी है h, कितनी वेलोसिटी से फेंका u, मैं ऊपर की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रहा हूं, और b तक जाने में कितना टाइम लगा t1, तो ut1। अब लेकिन एसिलेशन तो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हाफ जी, यहां भी टी क्या आएगा, टी की जगह t1 स्क्वायर। ठीक है ना, इधर टी कौन सा टाइम है, ए से बी तक जाने का टाइम, यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा। अब इसमें यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यू किसके बराबर है, जी बाय टू t1 प्लस t2, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हाफ जी, ये t1 और t1 मिलकर t1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहां से हाफ जी t2 और ये t1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ जी t2 t1 आ जाएगा, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ जी t1 स्क्वायर से हाफ जी t1 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो हाइट वुड बी हाफ जी t1 इंटू t2, ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम हाइट निकाल सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता, ये जो हमने दूसरा केस लिया सेम ही चीज थी, उसमें यू वाई आ जाता, तो जैसे मैं इसको एक दूसरे कलर से बता दूं, तो देखो वहां से हमारे पास यू वाई निकल के आ जाता g/2 इंटू t1 प्लस t2, और b वाले पॉइंट की हाइट, तो हाइट तो किस पे डिपेंड करती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई क्या हो गया, g/2 इंटू t1 प्लस t2, और t क्या हो जाएगा, b पॉइंट तक जाने का टाइम, वो भी t1 आ गया। ay क्या हो जाएगा, ये g के बराबर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव g, और t1 स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा हाफ जी t1 t2। तो अगर ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में पूछा जाता एंगल पे फेंक कर तो भी आंसर सेम आता, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है सबको, ये एक बार बता दो। ठीक है, और थोड़ा इस तरह हमको थिंकिंग भी डेवलप करनी है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट्स तो सिंपल होते हैं, फॉर्मूले सिंपल होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें सीखना है, नए नए तरीके के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है तो एक बार बता दो, सब लोग चैट पे यस लिख दीजिए। सर ये एच वाला पार्ट फिर से रिपीट कर दीजिए। एच वाला पार्ट एक बार फिर सुनिए भाई, एच क्या है, ये तो सिंपल है ना, एच हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का। तो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहां से कहां का हाइट बताना था, ए से बी जाने में, मतलब बी की हाइट बतानी थी, तो बेसिकली ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वही बी की हाइट हो जाएगी। तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी यू है, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा t1, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s जो है h के बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट, u के बराबर ये, जिसकी वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां हमने निकाली t1 प्लस t2 से, और a से b जाने में लगा टाइम t1, तो t की जगह हमने t1 रख दिया, और एसिलेशन माइनस g होगा ग्रेविटी के कारण, और यहां भी टाइम t1 आ जाएगा। बस फिर इसको सॉल्व कर दिया, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे,
जी बाय टू टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो जी बाय टू टी वन इंटू टी वन जी बाय टू टी वन स्क्वायर आ जाएगा, जी बाय टू टी टू इंटू टी वन जी बाय टू टी टू टी वन आ जाएगा, और एक माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर यहां से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें रेशियो बताना है ए टू दैट ऑफ बी, ए की काइनेटिक एनर्जी और बी की, तो ऑर्डर का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, कई बार हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। चलो इसको भी एक बार देखो समझो, अभी भी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो पार्टिकल जो है ए, इसको ऊपर हमने फेंका, मान लो कुछ u वेलोसिटी से फेंका और ये ऊपर गया कुछ हाइट h तक ये गया, फिर एक पार्टिकल है b सेम मास का, उसको 45 डिग्री पर फेंका, मान लो उसको कुछ u डैश स्पीड से फेंका, अब वो पैराबोलिक पाथ करेगा, लेकिन दे रखा है कि वो भी सेम हाइट तक ही गया, ठीक है। तो इस केस में जो हाइट है ये किसके बराबर होगी, u स्क्वायर बाय 2g। एक पार्टिकल को सीधे वर्टिकली फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाता है, u स्क्वायर बाय 2g। इस केस में किसके बराबर होगी, u डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दे हम भाई, दोनों हाइट तो सेम ही है, तो यू स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2g, 2g से 2g कट गया, यहां से u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि u डैश इज इक्वल टू रूट 2u। तो अगर स्पीड का रेशियो पूछा होता तो इसका इस तरह से आ जाता 1/√2, ठीक है ना, u बाय u डैश निकालते तो। लेकिन क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, तो काइनेटिक एनर्जी a की क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, ए को कितनी स्पीड से फेंका हमने, यू से, मास कितना है एम, बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में नेट स्पीड लेनी होती है, काइनेटिक एनर्जी में ऐसे नहीं कंपोनेंट ले लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टोटल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो हाफ एम यू स्क्वायर तो ए की हो गई और हाफ एम यू डैश स्क्वायर बी की हो गई, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, यू स्क्वायर अपॉन यू डैश स्क्वायर, यू डैश स्क्वायर किसके बराबर है, 2u स्क्वायर के बराबर है, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर भी कट गया, तो रेशियो आ गया 1:2, तो दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ a एंड b। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, तो एक तो क्या कर सकते हैं हम, जो इक्वेशन डिराइव की जाती है वैसे डिराइव कर सकते हैं कि x किसके बराबर होता है, x होता है ux into t, x is equal to ux कितना है 1, तो ux is equal to t आ गया, y किसके बराबर होता है, y होता है u y t minus half g t square, तो u y किसके बराबर है 2, तो 2t minus half g t square। अब equation of trajectory का मतलब क्या है कि x और y में relation जो time से independent हो, तो equation 1 से t को substitute कर दो equation 2 में, सब्स्टिट्यूट टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, जी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो दिस इज डन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कॉन्सेप्ट क्या है कि x और y में ऐसा रिलेशन जो पाथ
जो टाइम से इंडिपेंडेंट है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्स और वाई दे दिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ लिया, तो ऐसे ही निकालना पड़ता है। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टाइम को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई में रिलेशन लाना है। हाँ, बाकी अब ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है बात कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इसका वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो थीटा चाहिए और u चाहिए, x और y में तो रिलेशन बताना ही है, तो u जो है u क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर दैट इज रूट फाइव, ये तो u हो जाएगा। फिर tan थीटा इज यू वाई अपॉन यू एक्स होता है, तो वो आ जाएगा टू, और tan थीटा से फिर हम चाहेंगे तो cos थीटा निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा हुआ, एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा हो गया, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टू इज टू बना गया, तो ये साइड आ जाएगी रूट फाइव, जो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वन बाय रूट फाइव आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर है टू, माइनस g, g कितना है टेन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना आ जाएगा फाइव, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज वन बाय फाइव, तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो ये दोनों तरह से इसको किया जा सकता है और दोनों तरीके हमको आने चाहिए कि क्या इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का या पाथ का, और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। ये क्वेश्चन करो, अब इसमें ध्यान रखना है एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, तो अगर उससे कोई चीज ड्रॉप होगी तो ड्रॉप होने वाली चीज के पास भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन की है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई पार्टिकल ड्रॉप होता है, उस पार्टिकल के पास उस वक्त वही वेलोसिटी होगी जो उस ऑब्जेक्ट के पास थी जिससे वो ड्रॉप हुआ है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकालो। अच्छा, इसमें जी को 9.8 लेना क्योंकि हाइट उसी हिसाब वैसे दे रखी है। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है कुछ स्पीड से, वैसे स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उससे जो बॉम्ब रिलीज हुआ वो बॉम्ब की स्पीड वही होगी जो एरोप्लेन की स्पीड है, कितनी, 360 किलोमीटर पर आवर। अगर रेंज पूछेंगे तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी, अभी तक हमसे क्या पूछा है, टाइम ही पूछा है जस्ट, तो कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया, 490 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी इस बॉम्ब के पास, तो जाएगा ऐसे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है ऐसे केस में, तो अंडर रूट टू एच बाय जी, तो टू एच, एच है 490, जी को 9.8 ले लें, तो टू से 9.8 काटोगे 4.9, 490 अपॉन 4.9 इज 100, 100 का रूट 10 सेकंड, तो दिस इज दी आंसर। हाँ, अगर इसमें रेंज पूछ लेते कि कितनी दूर जाके वो टकराएगा, तो बताओ रेंज क्या आएगी, कि बॉम्ब अगर एरोप्लेन ने यहां ड्रॉप किया तो उसी लोकेशन से कितनी दूर जाके गिरेगा, मान लो आपके घर के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो बॉम्ब आपके घर पे नहीं गिरेगा क्योंकि एरोप्लेन मूविंग था, तो कितनी दूर जाके गिरेगा आपके घर से। अब इधर पे यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है ना, कि एक किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है। तो रेंज क्या हो जाएगी, u इंटू टी, अब u है 360 किलोमीटर पर आवर, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे मैंने कई बार बताया 36 किलोमीटर पर आवर क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड, तो 36 10 के बराबर होता है, तो 360 100 के बराबर हो जाएगा, या निकाल भी सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो u आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, वो टाइम है 10 सेकंड, तो दिस वुड बी 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर दूर जाके वो गिरेगा।
ठीक है, तो कई बार अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से हमें कोई चीज कहीं पर ड्रॉप करनी है तो बिल्कुल उसके ऊपर जाके ड्रॉप करेंगे तो वो वहां नहीं गिरेगी, कहां गिरेगी, थोड़ी सी आगे जाके गिर जाएगी, तो हमें उसको पहले ही ड्रॉप करना पड़ेगा जिससे कि वो सही जगह पे जाके गिरे। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो तो एक बार देख लो क्या दे रखा है। अ ग्लास मार्बल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेबल फॉल्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, तो टेबल से एक ग्लास मार्बल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली और वो टेबल की एज से एक्स दूर जाके गिरती है, तो एक्स एक तरीके से क्या हो गई, उसकी रेंज हो गई। एच हाइट है टेबल की, यू हमें बताना है कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया होगा, तो बेसिकली हमें क्या यूज करना है, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज किसके बराबर हो गई, एक्स, यू फाइंड ही करना है, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट टू एच बाय जी, तो यू इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट जी बाय टू एच, तो ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो ऐसे अगर हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो ये रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन करो, ये हाइट वाला नहीं है, ये ग्राउंड से ग्राउंड वाले का ही एक केस है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल में भी एक विंड के कारण एक्सीलरेशन, तो क्या करेंगे, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं भाई बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन तो अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी एक एक्सीलरेशन इंपार्ट कर रही है विंड, तो हॉरिजॉन्टल में अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते, हॉरिजॉन्टल में भी अब हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगा सकते हम रेंज के, हाँ हाइट और टाइम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं, ध्यान रखना हाइट और टाइम किस पे डिपेंड करता है, y डायरेक्शन के वेरिएबल्स पे, तो अगर विंड हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है तो उससे वाई डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जो हम चीजें पढ़ते हैं उनको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, इनके लिए रिजल्ट्स हम लगा सकते हैं जो हमने पढ़े थे ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में, लेकिन रेंज चेंज हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक एक्सीलरेशन आ गया, तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करो क्या आंसर आएगा। चलो देख लो एक बार, मैं बता देता हूं, देखो क्या हो क्या रहा है, कि हमने पार्टिकल को फेंका, ठीक है, इसीलिए क्या होता है हमें सिर्फ फॉर्मूले ही याद नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट भी समझना है कि फॉर्मूले आए कैसे, कौन सी इक्वेशन हमने यूज की, कैसे यूज की एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की, क्योंकि कोई चेंज कर दिया क्वेश्चन में, कुछ नई चीज ऐड कर दी, तो उसमें जो हमने डिराइव किए थे रिजल्ट्स वो सारी कॉन्सेप्ट्स काम आए। अब u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक x डायरेक्शन का मोशन, एक y डायरेक्शन का मोशन। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो y डायरेक्शन के मोशन पे ही डिपेंड करते हैं, और कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कहां इंपार्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सीधे थोड़ा दिमाग लगाएं तो ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, कॉमन सेंस जो भी मैंने बोला था कि भाई वाई डायरेक्शन का मोशन चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू वाई बाय जी, ठीक है, और हाइट इज व्हाट, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, तो वाई डायरेक्शन में जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेलोसिटी वही की वही है, तो हाइट तो चेंज होगी ही नहीं, तो एच तो सेम ही रहना है, तो बी और ए तो हो ही नहीं सकते, अब बचे ऑप्शन हमारे पास सी और डी। ठीक है, तो हाइट तो सेम ही रहेगी, तो हाइट तो दोनों केस में सेम है, अब मेन चीज क्या है, हमें रेंज निकालनी है। अब इन एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स किसके बराबर हो गया, यू कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन भी है अब विंड के कारण, कितना जी बाय फोर, तो एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन लगेगी डिस्प्लेसमेंट की वो लगेगी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर,
अब रेंज क्या होती है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो इन टाइम ऑफ फ्लाइट या टी इज इक्वल टू टी, जो एक्स है वो आर के बराबर हो जाएगी. यू एक्स इज यू कॉस थीटा, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स किसके बराबर है, जी बाय फोर इंटू टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर. ठीक है, एक जी से जी काट दो, फोर से फोर काट दो. अब ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी आ जाएगा, या यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. ये रेंज होती है, फर्स्ट टर्म इज रेंज. ठीक है, चाहे तो इसको अगर वैसे लिख लो, किसी को कंफ्यूजन है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी ऐसे लिख लो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा. और ये आ जाएगी यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. तब ये किसका फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी. ऐसे इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ, नई रेंज. यहाँ पे आर क्या है, पुरानी रेंज बिना विंड के. तो ये पुरानी रेंज हो गई जब विंड नहीं चल रही थी. और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी क्या होता है, हाइट के बराबर. तो जो नई रेंज है वो आर प्लस एच के बराबर आ जाएगी. तो अब ये गलत हो गया ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. एक बार देख लो समझ आया, या कभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो.